की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि मैं स्टेला को क्या डाइट देता हूँ। और अगर आप भी फर्स्ट टाइम कोई पपी लेके आ रहे हैं या आपके पास कोई मीडियम साइज का पपी भी है तो आप उसको क्या डाइट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो गाइस, लेट्स स्टार्टेड। और ये डाइट आप काफ़ी पपी को या बड़े डॉग को भी दे सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस करके आप भी अपने सभी तरह के डॉग्स को दे सकते हैं। सिर्फ क्वांटिटी मेजर करके आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूँगा डॉग्स को, अगर मेजर बात करें तो चिकन आप सुनाऊंगा या फिर नॉन वेज काफ़ी पसंद आता है। फूड में आप कोई भी अच्छी कंपनी के अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसको स्टार्टर या पप्पी फीड दे सकते हैं। और अब बात करते हैं उसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं। तो डॉग में वैसे नॉन वेज ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो खाना, तो उसमें एग्स या चिकन आप बॉईल करके उनको दे सकते हैं। जिस तरह से मैंने भी देखी है, इस तरह से चिकन को मैं बॉईल कर लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और उसको एक से दो दिन चला लेता हूँ इजीली। आप भी उसको फ्रिज में रख के स्टोर करके रख सकते हैं, उसको बाहर निकाल दीजिए और थोड़ा रूम टेम्परेचर पे फिर आप देने से पहले, तो उसके इस तरह से छोटे छोटे पीसीस करके आप उसके फूड में मिला दीजिए जिससे उसको स्मेल भी आ जाए और वो फीड को अच्छी तरह खा ले, सारी फीड को मतलब ख़त्म कर दे। वरना होगा क्या, अगर आप ऐसे नहीं देंगे सिर्फ एक या दो पीस डाल देंगे तो वो ऊपर से वो पीस ही खा जाएंगे और फीड नहीं खाते। और जो उसका स्टॉक होता है वो भी थोड़ा सा उसी फीड में सारे में डाल दीजिए जिससे कि और उसको स्मेल अच्छे से आके वो खा ले सारी फीड को मतलब ख़त्म कर दे। अगर इसमें आप अब उसको कुछ और भी खिलाना चाहें, रॉ वेजिटेबल्स, कुछ राइस खिलाना चाहें अलग से, और तो इसमें आप उसको और ज़्यादा डाल के थोड़ी सी दे सकते हैं। जिस तरह से स्टेल को राइस खाना ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको इसमें ही मिक्स करके दे रहा हूँ। तो आप भी अगर आपके डॉग कुछ इस तरह की चीज़ें पसंद हैं जो वो आसानी से खा लेते हैं तो उसमें फीड में आप उसको मिला के दे सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टेले की फर्स्ट मील, जो मैं उसको सुबह 8 या 9 बजे के अराउंड उसको दे ही देता हूँ। और तो बस ये रही सबसे पहली मील उसकी। नाउ ये रही स्टेला, और स्टेला का चिलिंग टाइम है तो दोपहर का भी टाइम हो चुका है। तो अभी समर टाइम जैसे कि चल रहे हैं आपको पता हो, तो स्टेला को अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो वो अपना आराम से बेड पे आके बैठ जाती है। उसको पता है कि यहीं पे एसी की हवा ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से आ रही है तो वो यहीं पर आके बैठ जाती है। तो अब बात करते हैं क्वांटिटी के ऊपर कि किसी डॉग को या पपी को कितना फूड या फीड उसके खाने में उसको देनी चाहिए। ये डिपेंड करता है सभी के डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और उनके पहले दिन आप थोड़ा सा कम उनको दीजिए और उसी के बिहाफ़ पे आप देखते रहिए कि वो कितना अब्जॉर्व कर लेते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये ना हो आप उनको ओवर ईटिंग करा दें और फिर वो बाद में वोमिटिंग कर दें, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और समर टाइम पे थोड़ा डॉग कम ही खाना पसंद करते हैं। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि समर टाइम है तो समर टाइम में आप जितना हो सके डॉग हो या पपी हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी या फिर आप कह सकते हैं दही उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने में दीजिएगा। अपने सुबह या शाम में 2 टाइम जरूर दीजिएगा, जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं पपी को। तो अब देते हैं सेल को दूसरी मील। तो ये रही दूसरी मील अब स्टेला की। सुबह मैंने उसको चिकन दिया था उसकी फीड में मिला के, अब दूसरी मील में उसको मैं दूंगा बॉइल्ड एग्स जो मैंने करके रखे हुए हैं, और ये रही वो फीड मैश करके और उसके फीड में मिला दीजिएगा। अब यहाँ पर आप अगर उसको कुछ ग्रीन बीन्स हो गई या आपके घर में कोई रॉ वेजिटेबल्स हैं जो आपके घर में बन रही हैं बिना किसी मसाले, नमक, मिर्च कुछ भी डाले उसमें, आप उसको इसके फीड में मिला के दे सकते हैं जिससे वो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वो उसको दे सकते हैं। जो सेकंड मील थी ये मैंने उसको दोपहर 1 बजे के अराउंड उसको भूख लगती है तो ये मैंने उस टाइम उसको दी थी। दिन में मैं इस चैलो को 3 मील देता हूँ, एक सुबह 8 से 9 के अराउंड, और दूसरी मील है 1 से 2 बजे के आसपास, और जो तीसरी मील है वो शाम को खाना पसंद करती है। वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो 8 बजे खा ले 9 बजे खा ले उसके अराउंड ही खाती है मतलब। तो आप भी अपने पपी के या डॉग के अकॉर्डिंग उसका शेड्यूल देख लीजिए कि वो किस टाइम उसको ज़्यादा भूख लगती है, आप उस टाइम उसको दीजिएगा तब जाके वो अच्छे से खाना पसंद करेंगे।
चलते हैं मील नंबर 3 के तरफ। तो स्टेला कहाँ पर है? ये रही स्टेला। चलो स्टेला को लेके चलते हैं। जैसे ही मैं वैसे तो किचन में जाता हूँ, उसको पता चल जाता है उसका शाम का टाइम हो चुका है खाने का। तो ये रही तीसरी मील इसकी। अब मैं इसमें उसको दही फीड में मिक्स करके दे रहा हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं मार्केट से दही लेके आया था ये। अब इसमें आप चाहे तो एग फिर से रिपीट कर सकते हैं या चिकन, लेकिन मैं शाम के टाइम उसको चिकन या ज़्यादा एग्स नहीं प्रेफर करता। अभी समर टाइम वैसे ही है मेरे नॉर्थ साइड में जहाँ मैं रहता हूँ, तो इसलिए मैं उसको दही मिक्स करके दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कई बार डॉग्स नहीं भी खाते हैं बिना चिकन या एग के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेला को ज़्यादा नहीं मन कर रहा खाने का उसको, तो मैंने उसको कोई एक फ्रूट का पीस ले लीजिए या कोई जो भी उसको ट्रीट में पसंद हो, तो वो उसको दिखाकर जैसे कि मैं उसको दिखाता हूँ ये मैं उसके खाने में डाल दूंगा। या उसको बॉइल्ड जो पोटैटो होते हैं वो भी पसंद है स्टेला को, तो मैं वो भी उसके उसमें डाल देता हूँ कभी कभी। वो भी बड़े इजीली वो खा लेती है फिर मिक्स करके, तो ज़्यादा नखरे नहीं करते खाने में और इजीली खा लेते हैं। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके कुछ बताना तो बता सकते हैं कौन सी नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।